बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मस्जिद का काम तकरीबन कंस्ट्रक्शन का जो है वो 99% कंप्लीट हो चुका। आज ये मिस्त्री और मजदूर ये मस्जिद का फ्रंट एरिया जो है इसकी कुछ डेकोरेशन के लिए यहाँ पे पिलर लगाने लगे हैं। ये वो पिलर हैं जो यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो ट्रालियाँ वगैरह मटेरियल का सामान फेंक के चली जाती हैं उनके लिए ये रुकावट बन जाएगी, और दूसरा इससे खूबसूरती भी हो जाएगी। चलें जी सर जी से पूछते हैं कि ये यहाँ पे पिलर जो लगाए जाने लगे हैं इनका मकसद क्या है। जी सर जी ये क्या करने लगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल गल जी है ना जी, वो है कि मस्जिद के दरवाजे के अगे जी जगह साढ़े को पई है ना जी, जी ट्रालियाँ वाले रेत मिट्टी इटा वो इतने अगे ला जाते। ठीक है। तो मस्जिद जी उसकी सफाई जी कोई नहीं, मिट्टी पैरों नाल अंदर जाती सी, रेत अंदर जाती सी, उन्हें ढकण वास्ते। ठीक है। इतने मतलब नाले खूबसूरती हो जाती इन्नी जगह की। ठीक है। और वो खूबसूरती के ना जो अंदर साढ़े को गल जाता सी रेत मिट्टी का जी जी घोड़ा नहीं जाएगा या रुकावट बनती से अगर ट्रालियाँ ला जाते सन तो अगर जाना मुश्किल हो जाता। ठीक हो गया। चलें जी अंदर जाके देखते हैं कि पेंट वाली टीम क्या काम कर रही है। ये माशाल्लाह पेंट वाली टीम जो है डिस्टेंपर और फिलिंग ये सारी तैयारी कर रही है। ये एक दफ़ा तो पेंट कर दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंपर सारा ये लगा दिया गया है। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाशरूम है। ये लाइटिंग का काम तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये बोर्ड चलें जी अंदर चल के देखते हैं कि ये माशाल्लाह क्लास लगी हुई है और साथ ये रमज़ान मुबारक के लिए तैयारी भी की जा रही है। यहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, तो उनसे बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। माशाल्लाह ये जी नए स्टूडेंट आए हैं। हाँ जी आप ज़रा खड़े हो जाएं, क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल वाहिद। मोहम्मद अब्दुल वाहिद, अच्छा माशाल्लाह। तो कब से आए हैं? परसों। परसों आए हो, ठीक हो गया। किधर से? स्कूल से। स्कूल से, अच्छा। कौन सी क्लास से छोड़ के आए हैं? फाइव। फाइव से, गुड हो गया, वेरी गुड। हाँ जी आपका नाम? मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर, आप कहाँ से आए हो? स्कूल से। अच्छा कौन सा स्कूल से? मीनिया मॉडल स्कूल, गुड। चलिए और कौन कौन से हैं? चलो जी आप ही खड़े होकर बता दो ज़रा। हाँ जी क्या नाम है? रेहान अहसान। अच्छा तो कहाँ से आए हैं? स्कूल से। स्कूल से आए हैं, कौन सा स्कूल? अमीनिया से। माशाल्लाह अमीनिया वालों तुम नंबर ले गए हो। हाँ जी, हाँ जी आपका नाम? अमीर हमजा। अमीर हमजा, आप कहाँ से आए हो? स्कूल से। आप भी स्कूल से, कौन सा स्कूल है? अमीनिया से। अमीनिया से, वेरी गुड। चलें ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? कुरान पाक के हिफ्ज़ करेंगे, वेरी गुड। हाँ जी और ये भी नया स्टूडेंट है, क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुर्रहमान। मोहम्मद अब्दुर्रहमान, आप भी अमीनिया से आए हो? अमीनिया से, स्कूल देखो वाला। वेरी गुड। चलो जी यहाँ पे दिल लग गया, खूबसूरत है, माहौल अच्छा है माशाल्लाह। ये जी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है और ये उस्ताद मोहतरम है। तो हाँ जी कितने स्टूडेंट हो गए हैं? 18 हो गए हैं, वाह जी वाह माशाल्लाह। ये जी क्लास के सबसे सीनियर हाफिज़ साहब हैं। हाँ जी आप सब की कर रहे हो? रमजान रमजान से
अच्छा अच्छा तैयार ड्राई कर रहे हो, वेरी गुड। ये हैं जी सीनियर स्टूडेंट अब्दुल्ला जैन और ये हसन, आपका नाम? अवैस। गुड। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं और मदरसा जामिया अमीनिया माशाल्लाह बेगवाला का नंबर वन मदरसा है, तो इसका माहौल बहुत अच्छा है। ये माशाल्लाह अलामा नासर साहब की ज़ेर निगरानी चलाया जा रहा है। ये इस इलाके की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे एक इतना अच्छा मदरसा मौजूद है। ये मदरसे की सामने वाली दीवार पे वाइट वॉश का काम स्टार्ट किया जा चुका है। ये सैफी साहब हैं जिन्होंने ये ठेका लिया हुआ है। हाँ जी सैफी साहब, की कर रहे हो? काम कर रहे हो? काम कर रहे हो, ठीक हो गया। आज की प्रोग्राम है, की करना है? क्लासरूम की छत। अच्छा, आज इन्हू फाइनल किया जाएगा, ठीक हो गया। ये जी क्लासरूम है, तो चूँकि रमज़ान आ रहा है तो बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इसकी ये छतों का जो है ना फिनिशिंग का वाइट वॉश का काम इसको कंप्लीट किया जाएगा। साहिब साहब आज ये काम कंप्लीट हो जाएगा? पहले तो की करना है, तो फिलिंग करनी है, फिर एक को वाइट वॉश डिस्टेंपर की था, दो दफ़ा फिलिंग होएगी, वेरी गुड, फिर खूबसूरत हो जाएगी, ठीक हो गया, वेरी गुड। माशाल्लाह सैफी साहब हैं, बड़े प्यार से मोहब्बत से ये काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा होगा। ये बरामदा, यहाँ पे इन्होंने फिलिंग का काम शुरू कर दिया हुआ है। ये लाइटें टेम्परेरी तौर पे बाहर निकाली गई हैं। यहाँ पे रुकावट लग जाएगी तो ये एरिया भी इंशाल्लाह खूबसूरत लगेगा। ये सर जी और डॉक्टर साहब अपनी निगरानी में ये काम करवा रहे हैं। ये मस्जिद का फ्रंट व्यू, टॉप पे जो सबसे आखिरी छत है गोल्डन मोज़ेक के ऊपर, यहाँ पे गुंबद और मीनार लगाया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, तो जैसे ही कुछ काम आगे बढ़ता है तो इंशाल्लाह आप तक नेक्स्ट वीडियो भी पहुँचा दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।